महाराज जी, कई साल वीरनाश करके मानसिक रोग से ग्रसित हो चुका हूँ। पिछले 5 महीने से वीरनाश नहीं किया है, फिर भी नकारात्मक सोच नहीं जाती। महाराज जी, जोशी ने बताया कि सब शनि और राहु का प्रभाव है। कोई शनि राहु का प्रभाव नहीं, करो दुष्प्रवृत्तियां और शनि राहु को दोष दो बेकार की बातें। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, हमारे आचरण ही हमारे को दुख देते हैं, पक्की बात समझ लो। बोले वो अमुक ने उसको पीटा, राज कर्मचारी आपकी सुरक्षा के लिए हैं, लेकिन जब आप असत आचरण करेंगे तो पीट के जेल में डाल देंगे। ये राज कर्मचारी हैं, शुक्र शनि राव केत ये सब राज कर्मचारी हैं। असद आचरण वालों को जलाते हैं, दंड देते हैं, और सद आचरण वालों को, चाहे जिस नक्षत्र पे बैठे हो, चाहे ग्रह पर किसी भी बैठे हो, ये सदैव अनुकूल रहते हैं। ये भगवत पार्षद कोई ऐसे वैसे नहीं है। करो अस्त मैथुन और शनि साढ़े चढ़ा हुआ है इसलिए ऐसा होता है, बेवकूफी वाली बातें बच्चा है। अभी अवस्था है तुम्हारी वीरपात करने की, गेहूं की फसल तैयार हो रही है, गलेथ पे हो, गलेथ माने होता है दाना अभी पड़ रहा है, और आप उसको काट लो तो ना भूसा होगा ना दाना होगा, व्यर्थ जीवन चला जाएगा। कम से कम 20-22 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर गृहस्थी में जाओ, संतान तेजस्वी होगी, देशभक्त होगी, माता पिता की भक्ति कर। ये क्या है उद्दंडता बच्चा, ये कहीं भी सुख प्रदान करने वाली नहीं। ज्योतिषाचार्य दुनिया के आचार्य सब उसी परम पिता परमात्मा के ज्ञान को ही बता रहे हैं। जो सही माने में ज्योतिषाचार्य हैं, वो सबसे बड़ी ज्योतिष ये है कि भाग्य विधाता हमारे कर्म हैं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ठीक अपने कर्म कर लो, कोई तुम्हें बिगाड़ दे तुम्हें बताना। हमारे कर्म पूर्व के या वर्तमान के, वही हमारी दुर्गति करते, दूसरा कोई सृष्टि में नहीं। को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। बिल्कुल सिद्धांत समझ, अभ्यास गलत किया है कोई भी देवता तुम्हें नहीं बचा सकता। गलत अभ्यास किया है, अपना नाश स्वयं कर रहे हो, किसी देवता या किसी का दोष नहीं। काले कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ये आचरण गंदे बंद करो बच्चा, नाम जप करो, सात्विक आहार करो, आधा घंटा दंड बैठक मारो, व्यायाम करो, दौड़ो, अभी सब ठीक हो जाएगा।